ये बाइक है होंडा की SP125 और इसका भैया जो अपग्रेड मॉडल आया था अभी कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ था, 4-5 महीने पहले, और उसमें क्या हुआ था, इसके अंदर जो इसका टायर अपग्रेड कर दिया गया था, पहले इसमें पतला टायर आया था लेकिन अभी इसमें काफ़ी अच्छी साइज का टायर दे दिया गया था। और अभी रिसेंटली इस बाइक का एक नया एडिशन लॉन्च किया गया है जिसे कंपनी ने स्पोर्ट एडिशन नाम दिया है। आपको पता होगा यार, कंपनी टाइम टू टाइम ऐसा काम करती रहती है, बाइक में अपडेट नहीं देती, बस कलर वगैरह में ग्राफिक्स में चेंज देके और उनको एक नए एडिशन का नाम दे देती है। टीवीएस में भी मार्वल एडिशन लॉन्च किया गया था, होंडा की तरफ से भी रेप्सोल एडिशन टाइम टू टाइम लॉन्च किया जाता है उनके सारे मॉडल्स में। सेम यहाँ पे भैया होंडा में अब ये जो स्पोर्ट एडिशन लॉन्च किया गया है होंडा की SP125 में, इसमें क्या किया है भैया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स का चेंज किया गया है। और यहाँ पर भी ये जो बाइक आपको दो कलर ऑप्शन के साथ ही देखने को मिलती है। पहला जो कलर ऑप्शन है वो है मेटेलिक ब्लू, यहाँ पर आप देख सकते हो मेटेलिक ब्लू है, उस साइड में वहाँ पर जो है ग्रे कलर जो है खड़ा हुआ है। सबसे पहले आप नोटिस कर लीजिए मीटर कंसोल में कोई भी चेंज नहीं है, सेम मीटर कंसोल मिलेगा जो आपको पहले मिलता था, जो डिजिटल वाला मीटर कंसोल है सेम। इसके अलावा यहाँ पे जो मेटेलिक में इसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, पहले जो था इतना ग्लोसी नहीं था लेकिन अभी थोड़ा सा ग्लोसी ये देखने में लगता है। इसके अलावा इसके जो रिम्स है उसमें भी आपको स्टिकर देखने को मिल जाते हैं। इंजन वही है, पहले वाला इंजन में कोई भी चेंज नहीं है, कोई भी बदलाव यहाँ पे नहीं किया गया है। ब्रांडिंग यहाँ पे देख सकते हो SP125 स्पोर्ट एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नई ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है। जो ग्राफिक्स है वो भी यहाँ पे चेंज कर दिए गए हैं, यहाँ पे थोड़े से ऑरेंज जो ग्राफिक्स है वो ऐड किए गए हैं, और रियर साइड में भी आपको इसका जो रिम है उसमें स्टिकर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा इस बाइक में कोई भी चेंज नहीं है, जो इसकी बैक लाइट है वह भी सेम है जो आपको पहले मिलती थी, बल्ब टाइप बैक लाइट, सेम बैक लाइट आपको देखने को मिल जाती है। फ्यूल टैंक की बात करें तो फ्यूल टैंक भी सेम है, कोई भी यहाँ पे चेंज नहीं है, वही आपको सीट देखने को मिल जाती है, सीट में भी कोई बदलाव नहीं है कि भैया स्प्लिट सीट देखने को मिल रही है, सेम सीट है। इसके अलावा जो LED सिस्टम है फ्रंट में, जो LED हेडलाइट देखने को मिलती है, सेम आपको LED हेडलाइट अब भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा जो दूसरा कलर ऑप्शन है वो भी आपको दिखा देते हैं, वो है ग्रे कलर जो कि ये वाला है। ये पर्सनली मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस ग्राफिक्स के साथ, जो ब्लू वाला है वो इतना खास नहीं लग रहा मुझे, तो ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी आप भी कमेंट करके बता सकते हो कि जो ग्रे कलर है वो आपको इस ग्राफिक्स के साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर मेटेलिक ब्लू वाला। यहाँ पे भी आप देख सकते हो बस ग्राफिक्स का चेंज है, इसमें भी ये देख सकते हो सेम ग्राफिक्स यूज किए गए हैं, वही यहाँ पे ऑरेंज वगैरह है, थोड़ा सा वाइट वगैरह दिया गया है, ग्राफिक्स सेम यहाँ पे यूज किए गए हैं। बाकी जो बाइक है सेम बाइक है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है इस बाइक में, वही फीचर्स, वही मीटर कंसोल, सब कुछ है। एंड में ये बात कर लेते हैं भैया कि प्राइस वगैरह कितने क्या इंक्रीज हुई है, तो प्राइस ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं है, 1800 का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा, 1800 इसकी जो प्राइस है थोड़ी सी ज़्यादा इंक्रीज कर दी गई है। और इसकी जो एक शोरूम प्राइस, अब 91,000 आपको एक शोरूम प्राइस इसकी देखने को मिल जाती है, एक शोरूम जयपुर। ऑन रोड के लिए आप अपने नज़दीकी शोरूम में विजिट कर सकते हैं, क्योंकि हर स्टेट में हर सिटी में अलग होता है, तो अपने आसपास के किसी भी शोरूम में जाकर आप पता कर सकते हो। बाकी जो बाइक है यार अभी भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा इसका एवरेज है और चलने में भी काफ़ी अच्छी है बाइक। आपको बाइक कैसी क्या लगती है मुझे कमेंट करके बताना भैया जरूर से जरूर। और 125 के सेगमेंट में आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, होंडा की SP125, होंडा साइन, सुपर स्प्लेंडर, हीरो ग्लैमर या फिर पल्सर 125, NS125, कौन सी बाइक आपकी सबसे फेवरेट है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ये एंड में भैया कलर दिखाता हूँ जो कि इसका लेजेंडरी कलर है, जो कि मेरे पास भी है, मुझे ये वाला कलर और ये ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। बाकी आपको इस बाइक का कौन सा कलर और कौन सा ग्राफिक्स अच्छे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल आज के लिए बस इतना है भैया, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टा पर फॉलो नहीं करना, इंस्टा पर फॉलो कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो और अपडेट देखने को मिलते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।